भोपाल के शाहजहानी पार्क में वाटर शेड संविदा समिति सचिव संघ मध्य प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा सरकार से संविधान निष्कासित कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि यदि सरकार उनकी मांगे चुनाव से पहले नहीं मानती है तो उनके द्वारा सरकार का विरोध किया जाएगा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। आज यहाँ बड़ी संख्या में निष्कासित वाटर शेड के जो कर्मचारी मौजूद हैं, क्या मांगे हैं इसको लेके सरकार से आपकी? हमारी एक मुश्त दो मांगे हैं। पहली मांग जो मांग है हमारी वो है हमको जो निष्कासित किया गया है उसकी बहाली, और दूसरी मांग है हमको परमानेंट किया गया। तो यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे आपके द्वारा? वैसे तो पहला बात यह है कि हम लोग अभी आवेदन निवेदन लगभग सभी मंत्रियों प्रदेश अध्यक्ष, कल हमारे बीडी शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आप लोगों की मांग जल्दी मांग ली जाएगी जी। अगर ना मानने की स्थिति में हम लोग सारे प्रदेश में 52 जिलों में हर ब्लॉक में 8-10 की संख्या में वाटर शेड सचिव जो निष्कासित हुए हैं वो हैं, और आने वाले चुनाव में हम सभी जिस प्रकार से हमने 2018 में काम किया था उस प्रकार से अगर मामा जी हमारी मांगें नहीं सुनेंगे तो फिर दोबारा से वही परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारे प्रिय मामा जी तैयार रहे। कहाँ कहाँ से आज जो साथी उपस्थित हुए, कहाँ कहाँ से आए? लगभग पूरे 52 जिलों से, हर जिले से हम लोग लगभग 400-500 की संख्या में आए हुए हैं। ये हम लोगों का अभी टेलर है जी। क्योंकि अभी हम लोगों ने ये कहा था कि मामा जी से एक बार आवेदन निवेदन करेंगे, कल हम लोगों ने मान लिया गोपाल भार्गव जी और भरत सिंह कुशवाहा जी, बीडी शर्मा जी से मुलाकात की और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्द ही आप लोगों की बात हम मामा जी को बताएंगे और आपको बहाल करवाएंगे। लेकिन फिर भी सबको लालीपाप दे रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? सर मेरा तो मैं अंकिता चौहान हूँ, हरदा डिस्ट्रिक्ट से। मैं माइक्रो वाटर शेड निष्कासित संविदा सचिव हूँ, थी अभी है नहीं। मैं मामा जी से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा आवेदन निवेदन है बार बार, जितने भी हमने ज्ञापन दिए हैं विधायक के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, फिर हमारे कृषि मंत्री कंवर पटेल के द्वारा भी दिए, उनके पास भी दिए, कि ताकि हमारी जो भी सूचना है हम लिख के दिए हैं विज्ञापन में, ताकि हमें मंत्री मामा जी तक पहुँच सके। लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा ही मिला है कि अभी तक हमारी सूचना मामा तक पहुँचे ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मामा जी सब बहनों को तो खूब दे रहे हैं, डाली बहना तो आशा उषा जो लगे हैं उनको भी दे रहे हैं, लेकिन हम जो निष्कासित हैं हम चाहते हैं कि हमको कम से कम वेतन पे भी हमको परमानेंट करें या रखें हमको। आपको नहीं करा तो आप क्या करेंगी अगले इलेक्शन में, क्या करेंगी आप? या यही करूंगी कि मामा जी हमें, अभी तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ मामा जी हमारे जो सीएम है वो अभी उनके ही दायरे में, हम तो हम इसलिए हम मामा की पक्ष करेंगे कि मामा हमें करें, अभी हमें पूरे विश्वास है कि मामा हमको एक ना एक। यदि नहीं आपकी मांगे पूरी होती है तो फिर आगे आप क्या करने जाएंगे? यदि मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, अच्छा संहिता के तक हम इंतजार करेंगे, यदि नहीं होती है तो हम भी इसका विरोध करेंगे।